इफ यू लिव अमंग चिकन यू बिहेव लाइक चिकन। कहने इसको मीनिंग का मतलब है, जिस तरह के सोच के लोगों के बीच में हम रहते हैं हमारी सोच भी वैसे ही हो जाती है। कंपनी मैटर्स। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कहते हैं कंफर्ट जोन, राइट? कंफर्ट जोन। हर किसी के जीवन में कभी भी किसी वक्त ये सिचुएशन आता है, इंसान कंफर्ट जोन के जाल में फंसता है, उसको बार बार तोड़ना पड़ता है। जो नहीं तोड़ सकता उसका प्रोग्रेस वहीं रुक जाता है। कोई इंसान यहां आके रुक जाता है, कोई यहां रुक जाता है, कोई यहां रुक जाता है। ये जीवन निरंतर धारा के साथ नदी के जैसे बहते जाने का मकसद है, और जीवन के आखिरी छोर तक भी इंसान को कंफर्ट जोन में नहीं जाना चाहिए, उसको लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, तभी जाकर ये जिंदगी एक्चुअली इंसान जिंदा रहता है। यहाँ इंटरेस्टिंग एक इंसिडेंट याद आया, मेरे एक स्टूडेंट हैं, आजकल गुजरात में पोस्टिंग है, वो मेरे साथ स्टेज में आए तो शेयर कर रहे थे। नेचुरली हम बहुत बच्चों को हेल्प करने के बाद भूल भी जाते हैं कि कहाँ से उसका गाइडेंस दिया था। उसने एक स्टोरी रिमाइंड की और उसको याद दिलाया। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में पांडिचेरी में कहीं पढ़ रहा था, इंजीनियर बनने का उसका कोई इरादा नहीं था, लेकिन माँ को खुश करने के कारण से वो इंजीनियरिंग में उसने ज्वाइन कर ली। और कोई भी ऐसा साल या कोई ऐसा पेपर नहीं हुआ जिसको एक बार में वो पास हुआ हो। वो जितना भी इंजीनियरिंग का समय था वो बहुत ही कुड़ कुड़ करके उसका समय निकला वो, और हर पेपर में दो बार तीन बार दे करके उस पास हो। फाइनली जब उसका इंटरव्यू हुआ, डायरेक्टर बुलाए इंस्टीट्यूट के, बोले कि भाई ये तुम्हारे पूरे मार्कशीट में लिखा हुआ एफ 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 ये क्या है? बोला सर इसका मतलब होता है फैंटास्टिक, मैंने फेल नहीं, फैंटास्टिक। बोले अच्छा ये तो समझ में आ गया कि तुम्हारे एफ एफ देख के तुम जो है एग्जामिनर इंजीनियर तो बनने से रहे, तुम और कुछ करे, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने जीवन में तुम क्या करना चाहते हो? उसने कहा सर मैं जो आईएएस बनना चाहता हूँ। बोले अच्छा इंजीनियर तो बन नहीं पाए, तुम आईएएस बन जाओगे? बोले कोई बात नहीं सर, आईएएस नहीं बनेगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। ठीक है। बोले कि डायरेक्टर साहब बोले ये पागल हो गया, इसको जाने दो, गायक चले गया। जब मैं उसी कॉलेज में उसके साथ लेक्चर देने गया, राइट, इंटरेस्टिंग बात है, मुझे स्पेशली बुला के ले गया कि सर मेरी यूनिवर्सिटी में आपको चलना है और वहां आपको लेक्चर देना है। उसने कहानी रिपीट की और पहले माफी मांगी डायरेक्टर साहब से कि मैं कुछ ऐसा बोलने जा रहा हूं जो शायद सर को अच्छा ना लगे, लेकिन बहुत लोगों के काम आएगा। उसने स्टोरी दोहराई और उसने ध्यान दिलाया कि सर आपको याद है कि आपने कहा था कि एफ का मीनिंग क्या और हमने क्या कहा, राइट? वो कैंडिडेट दिल्ली आया, दिल्ली आने के बाद पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ और दूसरे ही अटेम्प्ट में वो आईएएस बन गया। सेम कैंडिडेट जो इंजीनियरिंग में फेल हो रहा था हमारे पास आया, हम लोग उसने बैठ के प्लान किया, मुझे आते के साथ बोला, उसने कहा सर आपको याद है मैंने बताया था कि मुझे काफी डिमोटिवेट किया गया है क्योंकि मुझे बोला गया कि तुम एफ एफ है, तुम आईएएस कभी नहीं बन सकते हो। मैंने उसके चेहरे पे देख करके कहा तुम्हारा विश्वास मुझे बता रहा है कि तुम आईएएस बनोगे और जरूर बनोगे, इसलिए इसको उठा के साइड कर दो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो तुम फाड़ नहीं सकते, इसलिए इसका एक फोटो स्टेट बनाओ और उसको फाड़ करके खुश हो जाओ कि फाड़ दिया हमने, ठीक है? एंड देन यू स्टार्ट समथिंग न्यू फ्रॉम हियर, राइट? तो जीवन में सबसे पहले हमेशा आज तक आपके बाद में यदि कहीं आप पीछे रह गए हैं, लगता है कि आज मैं नहीं कर पाया हूं, तो उसको एग्जाम्पल मत बना लीजिए कि आज तक चूंकि ऐसा नहीं किया इसलिए मैं आगे भी नहीं कर सकता हूं। इट्स हैज नो रोल इन योर फ्यूचर लाइफ। ध्यान रखिएगा, यदि आप लगातार मैट्रिक में टॉप करके आए हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप ट्वेल्थ में भी कर जाएं जब तक कि दोबारा मेहनत नहीं करोगे। ट्वेल्थ में भी कर लिया तो कोई जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन में भी अच्छे नंबर ले आओगे जब तक दोबारा मेहनत नहीं करोगे, और आगे के परीक्षा में भी पढ़ना होगा। और एक बात और बता दें, यदि आप यूनिवर्सिटी में भी टॉप कर गए हो, कोई गारंटी नहीं कि आप जिंदगी में भी टॉप कर जाओगे, राइट? उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगा। और जो इंसान कभी भी स्कूल में कॉलेज में टॉप नहीं किया है वो जीवन में टॉप कर सकता है, जैसे कि धीरू भाई अंबानी टॉप कर गए अपने लाइफ में, ठीक है? जैसे कि बिल गेट्स बन गया, राइट? जैसे कि अमिताभ बच्चन जी जिनको ऑल इंडिया रेडियो में रिजेक्ट कर दिया वो सुपरस्टार बन गए। आप दुनिया के हजारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपने स्कूल में टॉपर नहीं थे लेकिन जीवन में टॉपर हुए।
Thank you for watching Success Guru AK Mishra YouTube channel. For more motivation and upcoming videos, subscribe to our channel and press the bell icon.